नमस्कार दोस्तों, मैं एकता श्रीवास्तव हाजिर हूँ लेकर जुनून भाग चतुर्थ। पिछले भाग में आपने सुना कि माही को उसके कुलगुरु एक अभिमंत्रित माला पहनाते हैं और माही अपने माता पिता के साथ घर वापस आ जाती है। अब आगे, माही घर आकर अपने कमरे में चली जाती है। वो जानती है कि प्रेत अभी उसी के आसपास है, लेकिन अब उसका डर पहले से कम हो चुका है। उसे इस बात का पक्का यकीन है कि जब तक उसके गले में गुरुजी की दी हुई अभिमंत्रित माला है, वो प्रेत उसको कभी छू भी नहीं सकता। वो अब सुकून के साथ अपने कमरे में आराम कर रही है कि तभी उसके फ़ोन पर नील का फ़ोन आता है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो, कहाँ गायब हो यार? ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश। नील की आवाज़ सुनकर माही के दिमाग में कल रात वाली घटना घूमने लगती है और वो नील से कांपती हुई आवाज़ में कहती है, वो हम आज कुलगुरु जी के दर्शन करने गए थे, इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अब कब मिलोगी? नील माही से पूछता है। नील, मैंने माँ को हमारे बारे में सब बता दिया है, क्या तुम कल घर आ सकते हो माँ पापा से मिलने? माही नील से पूछती है। क्या सच में माही, तुमने उन्हें हमारे बारे में सब बता दिया है? मैं बता नहीं सकता, मैं कितना खुश हूँ। मैं कल ही उनसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा, बस जल्दी से अब तुम मेरी हो जाओ। नील आज बहुत खुश है। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए माही भी खुश हो जाती है। तभी उसे रात वाली घटना याद आ जाती है और वो नील से कहती है कि नील, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी नील उसकी बात बीच में ही काट कर बोलता है, माही मेरी जान, अब सब कुछ बाद में सुनाना, पहले कल मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाओ ताकि मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग सकूँ। माही उसको इतना खुश देख कर चुप हो जाती है और कुछ नहीं बताती है। रात को माही अपने कमरे में अकेली है कि तभी एक तेज़ हवा का झोंका आता है जिससे माही के बालों से उसका चेहरा ढक जाता है। माही को एहसास हो जाता है कि वो प्रेत आ गया है। वो एकदम से पूछती है, आ गए तुम? प्रेत उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और पूछता है, इतना प्यार करने लगी हो मुझसे कि बिना मुझे देखे भी समझ जाती हो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ? ये प्यार नहीं, डर है मेरा। जो तुमने कल मेरे साथ किया उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं कर सकती, माही उसे जवाब देती है। ना मैंने किसी और लड़की को देखा कभी और ना ही कभी देखूंगा। रही बात कल रात की, तो वो मेरा प्यार, मेरा जुनून था तुम्हारे लिए। जब मेरे सामने मेरी अप्सरा खड़ी हो तो मैं कैसे होश में रह सकता हूँ? ये कहकर वो जैसे ही माही के करीब जाने लगता है, उसे छूने लगता है, वो झटका खाकर दूर गिरता है। माही ये सब देख कर हंसती है और कहती है, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? वो प्रेत माही को हंसता देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अप्सरा, किन बातों से डरकर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? मैं जानता हूं कि तुमने एक अभिमंत्रित माला पहनी हुई है। मैं चाहूं तो ये माला तुमसे अलग कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। देखना, एक दिन खुद ही तुम ये माला उतार दोगी। ये कहकर प्रेत वहां से चला जाता है और माही भी खामोश सी अपने बिस्तर पर लेटी रहती है। प्रेत और नील के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती हैं। सुबह माही बहुत ही खुशी के साथ उठती है और महसूस करती है कि प्रेत उसके आसपास नहीं है। फिर खुद से ही बातें करती है, ये क्या हो गया है मुझे, क्यों मैं उस प्रेत का होना या ना होना महसूस करने लगी हूँ? फिर उसे याद आता है कि आज नील उसके घर आने वाला है। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। माही की माँ उसे देखती है तो बस देखती रह जाती है। हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता और नीले रंग की जीन्स में माही का रूप बहुत निखर रहा था, साथ में उसके खुले बाल, हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक और एक हाथ में घड़ी उसके रूप को और भी चार चांद लगा रहे थे। माही की माँ जब उसे इतना खुश देखती है तो कहती है, आज मेरी बच्ची बहुत खुश लग रही है, हमेशा ऐसी रहा कर, मैं और तेरे पापा हर कदम पर तेरे साथ है मेरी बच्ची। माही भी अपनी माँ को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद नील का फ़ोन आता है और नील कहता है कि माही, मैं तुम्हारे घर के बाहर गेट पे ही हूँ। माही इतना सुनते ही दौड़ कर जाती है, लेकिन जैसे ही माही उसके गले लगने लगती है तो नील उसे मना कर देता है। नील कहता है, नहीं माही, यहाँ नहीं, पहले तुम्हारे माँ बाप हमारे रिश्ते को स्वीकृति दे दें, फिर मैं अपनी जान को सबके सामने गले लगाऊंगा। ये कहकर नील माही के साथ उसके घर आता है। गोरा रंग, खूबसूरत आँखें और लंबा कद, इतना सुंदर लड़का देखते ही माही के माँ बाप खुश हो जाते हैं। माही की माँ तो मन ही मन नील और माही के रिश्ते की स्वीकृति भी दे ही देती हैं। नील बहुत आदर के साथ माही के माँ बाप के पैर छूता है। माही के पापा नील से काफ़ी प्रभावित होते हैं। वो नील से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं तो नील बताता है कि अभी एक साल पहले मेरे मम्मी पापा का एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी।
मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और अब बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। पापा का कारोबार है और वो मैं ही संभालता हूँ। किस चीज़ का कारोबार है बेटा? और फिर तुम कॉलेज में माही से कैसे मिले? माही के पापा ने पूछा। नील जवाब देता है कि जी मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ। मेरी फैक्ट्री में सिल्क बनाया जाता है और पूरे देश और विदेशों में बेचा जाता है। मेरी सारी फैक्ट्रियाँ जो सिल्क की हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन माँ पापा के जाने के बाद मैं अंदर तक टूट गया था। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने MBA में दाखिला लिया। जिस दिन मुझे माही मिली वो कॉलेज में मेरा पहला दिन था। नील की बातों से माही के माँ बाप संतुष्ट हो जाते हैं। नील उन्हें भी अपने घर आने का न्योता देता है। सारे बैठकर खूब बातें करते हैं और नील शाम तक अपने घर चला जाता है। माही आज बहुत खुश है, नील को उसके माँ बाप ने पसंद कर लिया है। लेकिन पता नहीं क्यों वो नील से ज़्यादा आज उस प्रेत को याद कर रही है। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार प्रेत की तरफ जा रहा है। वो मन में सोच रही है कि जब आलोक को पता चलेगा कि नील के बारे में तो वो कैसा महसूस करेगा। फिर उसका ध्यान खुद उसकी तरफ ही जाता है और वो खुद से कहती है कि क्या आज पहली बार मैंने उस प्रेत को उसके नाम से याद किया है? ये कैसे हो सकता है कि उसने मुझे अपना नाम सिर्फ एक बार ही बताया है और मैं उसका नाम भूल भी नहीं पाई। माही आज अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। फिर माही नील के बारे में सोचने लगती है। इसी तरह सोचते सोचते रात हो जाती है। माही आज अपने कमरे में बिना डरे सो जाती है। आज प्रीत भी उसके पास नहीं आता है। सुबह माही उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है कि तभी माही की माँ उसे कहती है, बेटा आज हम नील के घर जा रहे हैं और अगर सब सही रहा तो हम शादी की तारीख पक्की करके आएंगे। लेकिन माही पूछती है, माँ इतनी जल्दी क्यों? माही की माँ बताती है कि आज कुलगुरु का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दी जाए, नहीं तो माही को उसके साथ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर नील का घर हमें अच्छा लगा तो एक हफ्ते में ही हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे पापा की नज़र में और भी कई रिश्ते हैं, तब भी तुम्हारी शादी इसी हफ्ते में ही करनी होगी। माही कहती है, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अब माही के माँ बाप नील के घर चले जाते हैं और माही भी अपने घर में अकेली अपने कमरे में है। तभी वहाँ फिर से प्रेत आता है। आज न जाने क्यों माही जैसे उस प्रेत को देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पाती। माही एकाएक बोलती है, आलोक तुम? प्रेत उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर इतना खुश होता है कि पूरे कमरे को अपने जादू से मोगरे की कलियों से सजा देता है। लेकिन माही ये सब देखकर मायूस हो जाती है और उस प्रेत से कहती है, मत करो इतना प्यार मुझसे, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, एक इंसान और एक शैतान में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। उसकी बातें सुनकर प्रेत मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं जो बराबर वालों में रिश्ता जोड़ूं, जहां बराबरी देखी जाए वो प्यार नहीं सौदेबाजी होती है अप्सरा। उसकी बातें सुनकर माही दिल में बहुत खुश होती है। वो खुद आज अपने गले की माला निकाल कर फेंक देती है। आज वो बिना किसी जादू के, बिना किसी डर या दबाव के उस प्रेत के करीब चली जाती है। क्या माही आज प्रेत के प्यार को अपना लेगी? जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा जुनून का अगला भाग। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे। नमस्कार।